वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वुडरो फिशर रूल डिस्कस करेंगे। वुडरो फिशर रोल्स रूल के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि किस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स कैसे निकलती है, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि हमें एक ग्राफ मिलता है लैम्डा मैक्स और मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशेंट के बीच में। ये लैम्डा मैक्स ग्राफ, इसको देख के हम बताते हैं कि लैम्डा मैक्स कंपैरिजन करते हैं। जैसे लेट अस सपोज आपके पास लैम्डा मैक्स 200 आया, 200 नैनोमीटर, और आपने टेबल में देखा 200 नैनोमीटर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड जिसका आप प्रेडिक्शन कर रहे थे वो अनसेचुरेटेड है, उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग तरीके से निकलती है। वुडरो फिशर लॉ रूल यही हमें बताता है। इसमें देखिए क्या है, पहला है हेटरो एनुलर डाइन, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 214 नैनोमीटर। दूसरा है होमो एनुअल डाइन, इसके लिए 253 नैनोमीटर। इन दोनों चीज के बाद थर्ड जो इसमें थिंग है, दैट इज इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स मतलब बेसिक जो रिंग है उसके अलावा जो एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, दैट आर इंक्रीमेंट्स। सबसे पहले डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुकेशन, जिसके लिए लैम्डा है 30 नैनोमीटर। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए 5 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर, एसीटेट ग्रुप के लिए 0 और ईथर ग्रुप के लिए 6 नैनोमीटर। अब ये होमो और हेट्रोन्यूक्लियर डाइन्स क्या हैं और ये सब क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंजुकेशन देखते क्या होता है। कंजुकेटेड सिस्टम मतलब लेट अस सपोज इट इज़ ए बेंजीन रिंग, और इसमें ये डबल बॉन्ड, ये आप देख रहे हैं तीन पोजीशन पे है। ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ऐसी कंडीशन जिस चीज़ जिस कंपाउंड में शो होती है उसे हम कंजुकेटेड सिस्टम कहते हैं। जनरली कंजुकेटेड इसे ही कहते हैं, डबल बॉन्ड, देन देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, देन डबल, देन सिंगल, एंड द सीरीज गो ऑन। ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी इसे हम कंजुकेटेड सिस्टम ही कहेंगे। मीन्स कंजुकेटेड सिस्टम देयर इज ए रेगुलर अकरेंस ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड, देन ए सैचुरेटेड, देन अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड दिस। सो ये अब हम देखते हैं व्हाट आर हेटरो एनुलर डाइन्स। होमो एनुलर डाइन्स, होमो एनुलर डाइन्स आर द साइक्लिक डाइन्स हैविंग कंजुकेटेड डबल बॉन्ड इन सेम रिंग। दे आर हैविंग कंजुकेटेड डबल बॉन्ड, यू सी हेयर दिस इज अ कंजुकेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल। सो साइक्लिक डाइन्स हैविंग कंजुकेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग आर होमो एनुलर डाइन। सेकेंड इज हेट्रो एनुलर डाइन, साइक्लिक डाइन हैविंग कंजुकेटेड डबल बॉन्ड इन डिफरेंट रिंग। इसमें जो कंजुकेटेड डबल बॉन्ड है वो दो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होंगी। ये भी कंजुकेटेड है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल और फिर से डबल बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज हेट्रो एनुलर डाइन। थर्ड इज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए रिंग, सो इट इज सिंपली ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए रिंग। आई एम नॉट सेइंग इट इज ए कंजुकेटेड डबल बॉन्ड, दिस इज ओनली द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए रिंग, दिस इज नोन एज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। थर्ड इज एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक एज द नेम सजेस्ट, एक्सो मीन्स आउटसाइड। सो ये देखिए ये दो रिंग हैं, फॉर ये दो रिंग हैं, ये ए ये बी। अकॉर्डिंग टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वाट आर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? सो डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डबली बॉन्डेड एटम इज ए पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम। इनमें से डबल एक डबल बॉन्ड रिंग का पार्ट होना चाहिए।
ये देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ, यहाँ पॉइंट्स पे कार्बन है, आप जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन का पार्ट है और ये कार्बन इस पूरी रिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इस ये कंडीशन मस्ट है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की डेफिनेशन के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि दैट द डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डबली बॉन्डेड एटम इज ए पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम। सो दिस डबल बॉन्डेड एटम इज ए पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम, ठीक है। ये कार्बन रिंग सिस्टम का ही पार्ट है और एक डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब एक्सोसाइक्लिक मतलब आउटसाइड द रिंग जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है। फर्स्ट रिंग देखें, रिंग ए, तो इसके इसका एक ही एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है ये वाला। रिंग बी देखें तो इसका भी एक ही एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। सो रिंग ए हैज वन एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक अंदर एक ही बॉन्ड है रिंग ए के लिए, एंड वन एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ठीक है। और रिंग बी हैज ओनली वन एंडोसाइक्लिक बॉन्ड, रिंग बी के पास सिर्फ एक एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है, रिंग बी के पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, ओके। रिंग बी के पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, ओनली रिंग ए हैज, रिंग ए हैज वन एंडोसाइक्लिक एंड वन एक्सोसाइक्लिक, वेयर एज रिंग बी हैज ओनली वन एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग बाय दीज टू एग्जाम्पल्स। सो लुक एट हेयर, ये दो आपके पास बेंजीन रिंग है और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। इसमें हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट सी, इट इज़ ए हेट्रो एनुलर डाइन, हेट्रो एनुलर डाइन है ये, आपको बताया हेट्रो एनुलर, ओके। सो इसकी लैम्डा मैक्स 214, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, दीज वैल्यूज आर फिक्स फॉर हेट्रो न्यूक्लियर एनुलर, इट इज़ 214। फॉर अल्काइल सब्सिट्यूएंट्स 4 × 5, बिकॉज फॉर अल्काइल सब्सिट्यूएंट द वैल्यू इज 5, बट हेयर देयर आर 4 अल्काइल सब्सिट्यूएंट, 4 अल्काइल ग्रुप्स, 1, 2, 3 एंड 4, सो 4 × 5 20। सो देन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वैल्यू 5, एंड फॉर लैम्डा मैक्स एड ऑल दीज एंड वी गेट 239 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए हमने सिर्फ 5 रखा है बिकॉज डबल बॉन्ड इन वन रिंग इज एक्सोसाइक्लिक टू अदर। अगर ए को देखें तो इसके लिए ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, बी रिंग को देखें तो इसके लिए ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक की सिर्फ एक ही वैल्यू रखी जाएगी, 5। सेकेंड एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें ये तीन रिंग अटैच है, दिस इज ए होमो एनुलर रिंग, होमो एनुलर रिंग, सो द वैल्यू इज 253। होमो एनुलर की डेफिनेशन देखिए, दैट इज साइक्लिक डाइन हैविंग कंजुकेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग, सो दिस इज ए होमो एनुलर डाइन, वैल्यू इज 253 नैनोमीटर। फॉर अल्काइल सब्सिट्यूएंट्स 4 × 5, फॉर दिस 1, 2, 3, 4 गिवन इन द क्वेश्चन, 4 × 5 20 नैनोमीटर। फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड द वैल्यू इज 2 × 5, दैट इज 10। यहाँ पे हमने 5 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अगर आप ये देखें, ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है। अगर हम रिंग ए को कंसिडर करें तो इसके इसके पास दो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हैं, और अगर रिंग सी को देखें तो इसके पास भी दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इस वजह से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू इज 2 × 5, दैट इज 10, एंड द लैम्डा मैक्स इज
summation of all these, that is 283 nanometer. So this is all about Woodward's Fisher rule. If you like this video, please subscribe. Thank you.